सरप्राइज 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 मतलब खोलियो फ्रिज। तो गाइज मैं आपको एक सरप्राइज दिखाने वाला हूँ फ्रिज में। भाई साहब 2,78,000 का। कौन से फ्रिज में रखूँ यार उसे, कौन से फ्रिज में रखूँ? 1,00,000 वाला यार उसका बजट है। तो भाई यार इसमें अच्छी लगी वो बैठ के? अब मैं वो चेक कर रहा हूँ। हाँ हाँ ये सही कहा। अब मैं ये बोलने वाला था दहेज, दहेज के लिए चेक कर लेता हूँ क्या क्या मतलब लिस्ट बना के देनी है लड़की वालों को। तो ये टीवी थोड़ा स्क्रीन छोटी है बट बढ़िया काम चल जाएगा इससे। हाँ भाई पहले चीज जो दहेज के लिए है वो है टीवी, क्योंकि भाई हमारे बच्चे होंगे घर वाले होंगे तो भाई कहाँ पे बैठेंगे, डाइनिंग रूम में। और टीवी होना चाहिए सबसे पहली चीज दहेज के लिए। आप ही की लड़की देखेगी टीवी? हाँ हमने देखेंगे, हम तो ऑफिस जाएंगे, हम तो रात में आएंगे। तो टीवी पक्का हो गया, छोटा सा टीवी एक मिल जाए तो बढ़िया लगे घर में, कोई आएगा तो कहेगा भाई 9,30,000 का यार। हाँ बस 10 लाख मुझे 10 लाख से बात नीचे नहीं करनी, 10 लाख से नीचे नहीं देखना कोई भी सामान। मिल जाए तो और बढ़िया। एक स्पीकर, जैसे एक सस्ता सा स्पीकर मैं आपको दिखाता हूँ। कौन सा? ये वाला, ये है मात्र 36,000 रुपए। 36 का नहीं है भाई, विदाउट डिस्काउंट लेते हैं तो पता है ना हमारे बारे में। 55,000 का है हमारे लिए, 55 का है बिना डिस्काउंट के। कोई चीज हम कैरी कर सकते हैं और मतलब ये लोग घर में जो फंक्शन हुआ करेंगे बर्थडे एनिवर्सरी और कीर्तन और आप लेडी माता की चौकी रखेगी और नवरात्र रखेगी करवा चौथ का, तो हम यही बजा के उसे नचाएंगे। मल्टी फंक्शन काम आएगा भाई। और तुम्हारी लड़की जब घर में काम किया करेगी तो यही तो सुन सुन के लैपटॉप भाई व्लॉग डाला करेगी एडिट करके। मैं व्लॉग बनाऊंगा उसके लिए, वो एडिट करेगी लैपटॉप। दामाद को भी कुछ देना है तो एक लैपटॉप तो बनता ही है। एक लैपटॉप हो गया भाई दहेज के लिए। थोड़े वैसे ओल्ड फैशन लग रहे हैं, ओल्ड लग रहे हैं, अच्छा वाला देखते हैं वो। यार मॉडर्न मॉडर्न लड़की है, मॉडर्न दहेज चाहिए, मॉडर्न तरीके का। यार हमने 9,30,000 का बजट रखा था। ये क्या है इसकी यहाँ? वही प्यूरीफायर है भाई, तगड़ा लग रहा है। तो इनमें से महंगा कौन सा है? सॉरी महंगा नहीं मतलब बजट फ्रेंडली कौन सा? नहीं विदाउट डिस्काउंट कौन सा है? विदाउट डिस्काउंट कौन सा है? नीचे वाला सही रहेगा। तो 10% कैश बैक अबे यार शिट। अगर आपकी लड़की की तबीयत खराब होगी पानी पीने की वजह से होगी, अगर वो खराब पानी पिएगी इसलिए वाटर प्योरीफायर की नीड है हमें, ठीक है। हम लोग तो नल का पानी पी के चला लेते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन आपकी लड़की दूसरे घर से आएगी यहाँ पर तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। तो आप अपनी बेटी को एक वाटर प्योरीफायर दोगे तो वो बेटर रहेगा उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए। हमें अपने लेनी चाहिए, उसी को पानी पिलाएंगे। भाई बच्चा होगा पेट में, गंदा पानी पिएगा वो अंदर? अच्छा पानी पिएगा, अच्छा पानी, प्योरीफाइड पानी हो गया, वाटर प्योरीफायर प्योरीफायर हो गया। मिक्सी मिक्सी। अब ये देखो यार इसमें भी ऑफ आ गया। जब आपकी लड़की प्रेग्नेंट होगी तो वो जूस बना के इसमें पिएगी तो बच्चे हेल्दी पैदा होगा, आपका जो नोता पोता होगा वो हेल्दी पैदा होगा। तो एक जूस बना के पैदा होगा अंदर जूस नहीं, अगर वो जूस पिएगी तो उसकी हेल्थ भी तो अच्छी होगी ना, बच्चा मोटा तंदुरुस्त पैदा होगा। ठीक है, चार चीज हो गई। चूल्हा गीजर, अब ठंडे पानी के लिए ठीक है यार, ठीक है ठंडे पानी नहा लेंगे। अगर आप लेकिन किसी को ठंडों में ठंडे पानी से नहीं मिला तो एक गीजर भी दे देना। और क्या दे सकते हैं बाकी? ये एक इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा महंगा सा जो भी आपकी खुशी से दे दो। और ये ओवन का है वो रहे भाई साहब, बट ये थोड़े अच्छे से नहीं लग रहे ये तो यार 13,000-20,000 ये तो सस्ते ही है। वो कहाँ है 60-70,000 वाला? अपनी खुशी से कुछ भी दे देना होगा ये तो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री अगर देना है तो दो वरना कोई बात नहीं, मतलब बुरा नहीं मानेंगे लड़के वाले। आपकी लड़की का फ्यूचर यही है। ये तो है इसमें पर इसमें बना दूं एक रील की मेरी होने वाली पत्नी का फ्यूचर बता बता। ये है 32,000 का, इसमें सासू माँ के लिए चाय बनेगी, ससुर जी का पानी गर्म होगा, इसमें पति का सुबह का ब्रेकफास्ट बनेगा, इसके लिए बच्चे के लिए बीवी के लिए क्या है, बीवी के लिए क्या खुशी है? अरे बीवी हल्का हल्का समझ से खाएगी ना, बीवी तो पूरे दिन घर में रहती है क्या करती है और क्या करे। एसी चाहिए? अगर आपकी आपको अपनी लड़की को पंखे में नहीं सुलाना तो एक एसी दे देना। हम तो देखो कूलर में सो जाते हैं, लेकिन आपकी आपके घर में एसी है और आपकी लड़की बिना एसी के रहेगी फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो एक एसी भी दे देना। अच्छा ये भी है कि जर्म्स वर्म्स हटा देगा रूम में, जो भी जितने भी जर्म्स हैं ना पार्टिकल्स वगैरह एसी में जितनी भी डस्ट है वो एक जाली में कलेक्ट कर लेगा। हाँ। उससे आपकी लड़की अच्छी सांस भी ले पाएगी। सांस
यार और क्या है, और क्या ले सकते हैं वैसे दहेज में देख सकते हैं, मतलब एक सास तो हम उसकी रोकेंगे, एक वो एसी से सास ले पाएगी। वैसे यार एक ब्लॉग बना सकते हैं, मतलब कि वो घर वाले कहेंगे ना, मतलब लड़की वाले दहेज में क्या चाहिए ये वीडियो भेज दो एडिट करके, सिलेक्टेड पार्ट ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, दिक्कत नहीं आएगी उन्हें, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, मतलब इजीली। झाड़ू झाड़ू है मौका सम बहुत तगड़ी लग रही है झाड़ू, अगर आपको आपकी लड़की को पूरे घर में झाड़ू नहीं लगवानी तो ये झाड़ू मतलब आप दे सकते हो हमें, घर में दो झाड़ू होंगे तो जल्दी सफाई हो जाएगी। यार ये तो सही है, बढ़िया है। नहीं यार ससुर को ये ससुर को गाने सुनने का बहुत शौक है, तो गाने नहीं एक वो हेडफोन मिल जाए ससुर के लिए। भाई अब जैसे ससुर जो है लड़की को सुनाएंगे खाना अच्छा नहीं बना ये सब, तो ज्यादा सुन नहीं पाएगी, तो उसके लिए हेडफोन चाहिए ताकि वो इग्नोर कर पाए ससुर जी की बात को और माँ सासू की बातों को, तो उसके लिए भाई लड़की के लिए तो फायदा। भाई साहब ये आपके पार्टी पैक, वैसे ये आपके औकात से बाहर है, आप देख सकते हो पार्टी पैक हो गया, पार्टी पैक हो गया भाई। और क्या है, आईफोन का कवर देखो कितने का बेच रहे हैं, 325 का आईफोन के कवर के। आप एक का काम कर सकते हो, हमारे जितने भी रिश्तेदार आएंगे उनको भी आईफोन दे सकते हो ताकि आपका जिंदगी भर नाम रहे खानदान में एज ए रिटर्न गिफ्ट। छोटे देवर के लिए कुछ तो चाहिए, छोटे देवर कौन है वैसे? अच्छा भाई छोटे देवर वो यार ये क्या चाहिए, वॉशिंग मशीन? नहीं नहीं इन सब का मैं क्या करूँगा, छोटे देवर के लिए एक बाइक और एक नर मीटियोर। देखो बड़े के पास एक मीटियोर है, एक कट दिस पार्ट हो गए। यार आईफोन पे चले हम, आईफोन वाली शॉप पे। तो भाई ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, अब चलते हैं डिवाइस आइटम्स पे। वो पट 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 बहुत तगड़े। ओ फाया हमें व्हाइटफील्ड लेके चलो। तो भाई अभी जा रहे हैं व्हाइटफील्ड कैफे वगैरह या क्लब में, वहाँ तो बोर हो गए। मैंने यहाँ का लोकेशन डाला था क्या? क्यों गलत करते हो भाया, मत गलत डाला करो। मैं उधर से पहले करके यार दिल्ली दिल्ली है, मैंने देख लिया 4-5 4-4-6-6 4-4-6-6 yes 6 9 9 What do you mean by क्या दिक्कत क्या है आपको? अबे तू है ना, क्या प्रॉब्लम क्या आपको है? तू है मतलब सैतीसवीं बिरादरी है वो, क्या प्रॉब्लम है आपको? एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? क्यों करूं मैं एक्सेप्ट, कौन हो आप भाई? तूने उसमें सेक्स में एम लिखा है, एम लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो, अपनी राइट्स पे लगा रखा है, अपनी राइट्स पे, राइट्स पे, मैं राइट्स से लड़ना चाहता हूं